उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने 201 करोड़ रुपए की 190 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक भी बांटे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ब्रजभूमि से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ बांके बिहारी और राधे रानी की इस भूमि पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, यहां के विकास की दृष्टि से आज यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी ब्रजभूमि से जुड़े हुए भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, ब्रजभूमि की अपनी महत्ता है। पूरे देश में, पूरी दुनिया में इस भूमि ने 5000 वर्षों से धर्म, सत्य, न्याय के साथ साथ उल्लास और उमंग का माहौल कैसे होना चाहिए, इसका संदेश भी दिया है। ये वही भूमि है जिस भूमि पर जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के माध्यम से इसे धन्य किया था और जिस भूमि के कारण अपनी लीलाओं के माध्यम से आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने उस समय के समाज के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को भी एक नई दिशा देने का कार्य किया था। ब्रजभूमि के कण कण में, रज रज में भगवान श्री कृष्ण की लीला आज भी विराजमान है और इस पवित्र भूमि के प्रति कौन ऐसा भारतीय होगा जिसके मन में एक नई श्रद्धा का भाव, एक उत्साह और उमंग का भाव न हो। और भाइयों बहनों, आप तो साक्षात ब्रजभूमि में निवास करते हैं, इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं। आप सबको मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये वही भूमि है जिस भूमि ने देश और दुनिया को एक संदेश तो दिया, लेकिन पिछली सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के कारण न केवल इस भूमि को बल्कि उत्तर प्रदेश को भी बदनाम करने में कोई कोताही नहीं बरती थी। याद करिए, दुनिया जब उत्तर प्रदेश की तरफ देखती थी, मां गंगा और मां यमुना की भूमि है। उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है। उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। उत्तर प्रदेश कुंभ की भूमि है। उत्तर प्रदेश अनेक तीर्थों से भरी हुई भूमि है और भारत की आत्मा अगर सचमुच कहीं निवास करती है तो वह उत्तर प्रदेश है। लेकिन पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करने का कार्य किया था। उत्तर प्रदेश में दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। दंगों के कारण कोई निवेश नहीं करना चाहता था,
दंगों के कारण यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया था। विकास के नाम पर लूट खसोट होती थी और विकास की परिभाषा प्रदेश नहीं परिवार हो गया था। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां बिजली देने में लोग भेदभाव करते थे। चार जिले में बिजली आएगी, वह भी आधी अधूरी, बाकी 71 जनपद टकटकी लगा करके देखते थे कि हो सकता है कि हमारे यहां भी बिजली कभी आएगी।